प्रिया, दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट पर आप हैं, आपके की प्लेयर्स आज कौन कौन से हैं टीम में जिन पर नजरें रहेंगी? देखिए, दिल्ली कैपिटल्स के पास सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बैलेंस टीम है और जिस तरीके से हालांकि टीम ने पिछले मैच में परफॉर्म किया है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि थोड़ी सी मायूसी यहाँ पे ज़रूर हो रही है क्योंकि जिस हिसाब से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वो रिजल्ट अभी तक लोगों को मिला नहीं है। लेकिन अगर पूर्णिमा, आज मैं की प्लेयर्स की बात करूँ तो देखिए ऋषभ पंत पे सभी की निगाहें टिकी हुई होंगी, उसके अलावा क्योंकि ऋषभ पंत ने 3 मैचों में सबसे ज़्यादा रन जो स्कोर किए 96 रन की उन्होंने शानदार स्कोर किया। इसके अलावा पृथ्वी शॉ जो कि टीम के ओपनर हैं उन पर भी आज सभी की निगाहें टिकी होंगी। हालांकि शिखर धवन अभी तक उतना कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन बिल्कुल प्रिया हम आपके पास आएंगे। इसके अलावा अश्विन पर भी नजर रहेगी। लेकिन कोलकाता के डगआउट में क्या है पल्लवी, कौन-कौन की प्लेयर? मुझे तो लगता है कि रसेल से हमें फिर से उम्मीद रखनी चाहिए। इसके अलावा शिवम मावी की बात हो रही है, शिवम मावी से भी उम्मीद की जा सकती है। और जो पहले गेंदबाजी का फैसला किया है वो मुझे लगता है रीमा को कभी भाता नहीं है ये फैसला वहाँ की पिचेस पे, लेकिन क्योंकि बैट लाइन बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग लाइन कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो ऐसे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होगी टीम कि हम चेस तो कर ही लेंगे, पहले हम पस्त कर देते हैं दिल्ली कैपिटल्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास चैलेंजेस आज कौन कौन से रीमा रहने वाले? जी उनके सामने है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है अच्छा कर रहा है, साथ में थोड़ा बैटिंग में थोड़ा मैं शफलिंग चाहूँगी। आज त्रिपाठी खेल रहे हैं, आप उनको ओपनिंग कराइए क्योंकि सुनील नारायण रबाडा के सामने शायद ही टिक पाए। उनकी कमी सबने समझ लिया कि आप शॉर्ट पिच डालिए और सुनील नारायण को चलता कीजिए, तो कहीं ना कहीं त्रिपाठी को आप ओपन में लेके आइए। और दिनेश कार्तिक नंबर 5 पे है, A एन मॉर्गन को मैं ऊपर देखना चाहूँगी क्योंकि बड़ा छोटा ग्राउंड है, बड़ा स्कोर होने वाला है, तो आज छक्कों की फिर से बारिश देखने को मिल सकती है अगर आप अपने हिटर्स को उतना मौका देंगे तो।